मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ सुमन पांडे एंड सी जी पी एस सी साइंस लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ रूल्स बताए थे इमेज फॉर्मेशन के, तीन रूल्स थे। उनमें से कोई भी दो रूल अगर हम फॉलो करते हैं देन इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो जो पहला रूल था वो था कि अगर कोई लाइट रे प्रकाश केंद्र से होकर गुजरती है तो फिर बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाएगी। ओके, ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई लाइट रे पास होती है तब विदाउट एनी डेविएशन क्या होगी, पास हो जाएगी। एंड सेकेंड जो था, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर कोई रे आ रही है तब वो फोकस पे जाएगी। एंड जो थर्ड था कि फोकस से जाने वाली रे जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो इन तीन रूल्स में से किसी दो रूल को हम फॉलो करके इमेज फॉर्मेशन करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो जो इमेज फॉर्मेशन है आज हम कवर करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज। दोनों लेंसेज से इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है, ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे रहेगा तो जो इमेज फॉर्मेशन है वो कैसी होगी। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस से पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स लेंस, सबसे पहली जो पोजीशन है एट इन्फिनिटी। मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, दैट मीन्स जो लाइट रे है वो क्या रहेगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये ओ है, ये है एफ वन एंड दिस इज एफ टू एफ वन। ओके, दिस इज टू एफ वन, आर के बराबर होता है। सो दिस इज एफ टू एंड दिस इज टू एफ टू। मान लीजिए लाइट रे जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। ये है हमारी लाइट रेज जो कि क्या हो रही, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। तब क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होंगी, फोकस से जाती हुई दिखेंगी ऐसी आपको। तो ये सारी की सारी क्या होंगी, एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी। तो ये जो रे है वो फोकस पे एफ टू पे जाके कन्वर्ज हो जाएगी। ओके, तो ऐसी जो इमेज है उसका हम यूज़ कहाँ करेंगे, टेलीस्कोप में किया जाता है। क्लियर है? तो जो इमेज है उसके बारे में आप डिटेल में लिखेंगे कैसे बन रही है इमेज, कहाँ बन रही है, एट एफ टू पे, एंड देन कैसी है, उल्टी ही रहेगी। ओके, दैट मीन्स इन्वर्टेड दिख रही है, पॉइंट साइज ही है लेकिन हम इसको इन्वर्टेड ही बोलेंगे। और जो इन्वर्टेड इमेज है वो हमेशा क्या होती है, रियल होती है। ओके, इन्वर्टेड इमेज जो है वो रियल। नाउ फोर्थ जो है क्या होगी, एट एफ टू कैसी इसकी साइज है। ओके, तो पॉइंट साइज है, सो दैट इज पॉइंट साइज। ओके, और यूज कहाँ करेंगे हम इसका, टेलीस्कोप में। टेलीस्कोप में यूज किया जाता है। क्लियर है? तो पहले क्या है, अगर लाइट रे इन्फिनिटी में है दैट मीन्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू द सेकेंड फोकल पॉइंट एफ टू एंड द इमेज इज इन्वर्टेड, दैट इज इन्वर्टेड। एंड इन्वर्टेड इमेज जो होती है वो हमेशा रियल होती है। एंड देन उसके बाद पॉइंट साइज्ड है और यूज़ कहाँ किया जाएगा, टेलीस्कोप में। नाउ सेकेंड हम लेते हैं, थोड़ा सा और हम आगे लेकर आएंगे, दैट मीन्स 2F1 और इन्फिनिटी के बीच में है अगर, तब लाइट रे जो है वो कैसी इमेज बनाएगी। तो मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, बिटवीन बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F1। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे इमेज जो है वो पीछे जाती जाएगी और आगे जाती जाएगी। सो मान लीजिए ये है कॉन्वेक्स लेंस, इसका है ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर जो है सेंटर में ही रखेंगे। ये है ओ, दिस इज एफ वन, एफ वन ओ और एफ वन के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस रहेगा F1 और 2F1 के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, बियॉन्ड 2F1 है, 2F1 और इन्फिनिटी इन दोनों के बीच में है, तो हम दो रेस कंसीडर करते हैं। कौन कौन सी, पहली जो है कहाँ रहेगी, इन्फिनिटी से होकर आने वाली, दैट मीन्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये है मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट ए बी, तो सबसे पहले इसके टॉप से आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ जाएगी ये, एफ टू में जाएगी, फोकस से होके जाती है देन इतनी ही दूर पर टू एफ टू, तो फोकस से होके जाएगी, ऐसे पास होगी सेंटर से, जस्ट लेंगे आप फोकस से होके जाएगी। देन इसके बाद सेकेंडरी हम लेंगे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है अगर, तब इसको आप स्केल से काफ़ी अच्छे से मेजर करेंगे। ये
ये जो लाइट रे है अगर वो सेंटर से ऐसे होके जाती है तब कहाँ मिलेगी? डेविएट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, तो ये यहाँ कहीं ऐसे मिलेगी, दैट मीन्स एफ टू और टू एफ टू के बीच में. सो दिस इज ए डैश बी डैश. ओके, सेकेंड रे जो है वो कहाँ से होके जा रही है? ऑप्टिकल सेंटर से, तो बिना किसी डेविएशन के आगे जाएगी. दोनों रेज जो है वो जिस जगह पे मिलेगी उसी जगह पे हमको इमेज दिखेगी ऑब्जेक्ट की. तो वो जो पॉइंट मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है? एफ टू एल टू एफ टू के बीच में, और जो इन इमेज है वो इन्वर्टेड है. सो दैट इज़ ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी. तो कहाँ बन रहा है देखेंगे, एंड बिटवीन एफ टू एंड टू एफ टू. सो बिटवीन एफ टू एंड टू एफ टू इन्वर्टेड है, रियल है, एंड देन छोटी है तो डिमिनिश्ड. रियल का मतलब है वास्तविक, एंड देन इन्वर्टेड मीन्स उल्टी, डिमिनिश्ड मीन्स छोटी. और इसका यूज हम कहाँ करेंगे? फोटोग्राफिक कैमरे में. तो क्या हो रहा है, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा हुआ है? बियॉन्ड टू एफ वन, तब क्या होगा? या बिटवीन इन्फिनिटी एंड टू एफ वन, तब क्या होगा? इमेज कहाँ बनेगा? बिटवीन एफ टू एंड टू एफ टू, एंड देन इन्वर्टेड उल्टी रहेगी, एंड सेकेंड जो है वास्तविक रहेगी, रियल रहेगी, डिमिनिश्ड छोटी रहेगी, एंड देन इसका यूज जो है कहाँ करेंगे हम? फोटोग्राफिक कैमरे में यूज करेंगे. क्लियर है? नाउ अब हम और इधर लेकर आएंगे तब इमेज जो है वो और आगे शिफ्ट होगी. तो अगर हम 2F1 पे रखते हैं तब जो इमेज है वो 2F2 पर बनेगी. देखेंगे कैसे बनेगी. सेम साइज रहेगी, जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट है उतनी ही इमेज की हाइट होगी. सो नाउ नंबर थर्ड इज एट 2F1. ओके, नंबर थर्ड इज एट 2F1. तो अगर हम 2F1 पे रखेंगे तो जो इमेज है ये है ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F1 एंड दिस इज 2F1. ओके, यहाँ हम लेते हैं F2, जितना डिस्टेंस इसका यहाँ से है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से होना चाहिए, देन 2F2. तो सबसे पहले अगर हमने 2F1 पे रखा है ऑब्जेक्ट, इधर थोड़ा सा ये इधर, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है ए बी, तो सबसे पहले हम दो रे लेंगे. पहली रे जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ जाएगी? आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू फोकल पॉइंट F2, एंड द सेकेंड रहेगी वो ऑप्टिकल सेंटर से. ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली जो रे है थोड़ा भी डेविएट नहीं होनी चाहिए, सीधी चली जाएगी. दोनों रेज जो है वो कहाँ मिलेंगी? 2F2 पे ही मिलेंगी. तो क्या होगा, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज होगा. सो दैट इज ए डैश बी डैश कहाँ मिल रही है? 2F2 पे, एट 2F2. ओके, तो हमने दो रे लिया. पहली रे क्या लिया? जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस से होके जाएगी, और जो सेकेंड रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से अगर जाती है तो क्या होगी? बिना किसी डेविएशन के आगे जाएगी. दोनों रेस कहाँ मिल रही है? ए डैश पे. सो ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी. नाउ अब कहाँ बन रही है? एट 2F2. इन्वर्टेड है, रियल है, अब डिमिनिश ना होकर के क्या हो रही है? सेम साइज, सेम साइज मीन्स क्या? बराबर, वस्तु के बराबर. इमेज जो है वो क्या हो रहा है? वस्तु के लंबाई के या हाइट के बराबर. ओके, फोटोग्राफिक कैमरे में इसका यूज होता है. हाँ सेम है, क्योंकि हमको सीधी इमेज अगर चाहिए रहेगी, सॉरी मैं सेम हाइट अगर चाहिए रहेगी तो कहाँ यूज़ होगा? इसको हम फोटोग्राफी कैमरे में ही यूज़ करते हैं. ओके ना, उसके बाद और आगे हम लेकर आते हैं. अब हम क्या करेंगे, बिटवीन 2F1 एंड F1 के बीच में अगर रखते हैं तब. सो नंबर फोर्थ है, कहाँ रहेगी ऑब्जेक्ट? बिटवीन 2F1 एंड F1. ओके, इमेज जो है वो और आगे चली जाएगी, फिर मीन्स 2F2 के
और आगे है. सो दिस इज एफ वन, दिस इज टू एफ वन. अब इनके बीच में है यहाँ कहीं, ये है एफ टू एंड दिस इज टू एफ टू. पहले हम फर्स्ट ट्रे लेंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. कहाँ से जाएगी? फोकस से होके जा रही है, एकदम सीधी ऐसी. एंड सेकेंड जो है वो क्या होगी, ओ से अगर पास होती है तो देखेंगे ये दोनों यहाँ मिल रही हैं, टू एफ टू से और आगे और काफ़ी बड़ी है. सो दिस इज बी डैश ए डैश. सो बियॉन्ड टू एफ टू इन्वर्टेड ही है एंड क्या हो रही है, इनलार्ज्ड हो रही है. ओके ये क्या हो जा रही है, बड़ी हो रही है ऑब्जेक्ट से. ओके सो कहाँ लिखेंगे, बियॉन्ड टू एफ टू, बियॉन्ड टू एफ टू देन इन्वर्टेड है. ओके देन रियल है, रियल एंड देन एनलार्ज्ड, बड़ी. ये तो वास्तविक है. यूज इसका हम कहाँ करेंगे, इसको हम ज़्यादा अगर दिखाना है तो इसको हम माइक्रोस्कोप पे यूज़ कर सकते हैं. ओके तो कहाँ यूज़ होगा ये, प्रोजेक्टर में, सूक्ष्मदर्शी में, है ना, प्रोजेक्टर में यूज़ होता है. और कहाँ, माइक्रोस्कोप में. क्लियर है, दो जगह हम इसका यूज़ करेंगे. तो क्या बोल रहे हैं, अगर टू एफ वन और एफ वन के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो जो इसकी इमेज होगी वो कहाँ बनेगी, बियॉन्ड टू एफ टू इन्वर्टेड होगी, उल्टी है, उल्टी इमेज रियल होती है, एनलार्ज्ड है, वस्तु से बड़ी है. इसका यूज़ कहाँ करेंगे हम, प्रोजेक्टर में और माइक्रोस्कोप में यूज़ किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी में और प्रोजेक्टर में. अब और हम आगे लेकर आते हैं. सो नंबर फिफ्थ इज क्या होगा, एट एफ वन. फोकस पे रखते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट तो क्या होता है, कहाँ बनती है इमेज, इन्फिनिटी में. ओके सो दिस इज एफ वन, दिस इज टू एफ वन. ऑब्जेक्ट यहाँ का ही रखा है, ए बी. यहाँ आते हैं, दिस इज ओ एफ टू देन टू एफ. सबसे पहले जो रे है वो कहाँ जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो रे है वो फोकस से होके. एंड देन सेकेंड जो है वो कहाँ से, ओ से होके जाएगी ऐसे. तो अब ये जो रेज हैं वो दोनों क्या हो रही हैं, एक्चुअली ऐसी पैरेलल होती हैं और पैरेलल रेज जो है वो कहीं मिलती नहीं है, लेकिन कहते हैं कि कहाँ, इन्फिनिटी में कहीं ये मिलेंगी. तो ये कहीं इन्फिनिटी में अगर मिलती है मान लीजिए, तो जो भी इमेज की हाइट होगी वो बहुत बड़ी होगी. ओके हाईली एनलार्ज्ड, मैग्नीफाइड. सो यहाँ रहेगा हमारा ए डैश और यहाँ बी डैश. तो ये जो लाइट रेज है क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी एक दूसरे के. और पैरेलल रेज जो है वो कहाँ मिलती है, इन्फिनिटी में मिलती है. सो जो इमेज होगी वो बहुत बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से. ओके दोनों रेज बना लेंगे आप. तो फोकस से होके जाने वाली रेज जो है वो कहाँ पे मिल रही है, इन्फिनिटी में. तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी में, एट इन्फिनिटी. इन्वर्टेड रहेगी, रियल रहेगी, highly highly क्या रहेगी, magnified, highly magnified, बहुत बड़ी बनेगी. अब इसका जो यूज है वो कहाँ रहता है, थिएटर में यूज करते हैं हम, स्पॉटलाइट में. तो सिनेमा घर में यूज होगा, यूजेस जो है वो कहाँ, स्पॉटलाइट के फॉर्म में यूज करते हैं. कहाँ पे, सिनेमा घर में, थिएटर में हम यूज करते हैं. काफी इन्फिनिटी, सारी जो रेज है वो पैरेलल होती है, एक साथ हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर डालेंगे तब क्या रहेंगी, पैरेलल रेज जो होती है वो हम डालते हैं. तो स्पॉट लाइट के फॉर्म में यूज करेंगे, किस पर्टिकुलर स्पॉट में पूरी रेज जो है वो आनी चाहिए. नाउ इसके बाद अब जो लास्ट रहेगा वो है ओ और एफ वन के बीच में, तो ये थोड़ा सा अलग बनता है. देखेंगे नंबर सिक्स्थ जो है,
नंबर सिक्स बिटवीन F1 एंड O, ओके ऑप्टिकल सेंटर और O के बीच में अगर है तब कैसे बनेगी इमेज? ये है हमारा O, यहाँ ले लेंगे हम F1, ये है F2, बाकी की जरूरत नहीं रहेगी। अब इन दोनों के बीच में अगर रखा है कोई ऑब्जेक्ट है A, B, ये ऐसा, तो दो रीज लेंगे हम, पहली जो री है वो फोकस से होके जाएगी एंड जो सेकेंड है वो ओ से होके जाएगी। तो देखेंगे ये जो रे है वो यहाँ आगे जो है वो नहीं मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी लेकिन पीछे की तरफ ये मिलती है। तो कैसे मिलेगी देखेंगे हम, क्योंकि ये क्या पैरेलल नहीं है बल्कि ये क्या है डाइवर्जिंग रेज है। ये थोड़ा सा और आगे रखेंगे तो काफी अच्छे से बनेगा ऐसा। पहली रे गई, देन सेकेंड रे जो है वो अगर ओ से होके जाती है तो ये देखिए ये ऐसी रहेंगी, ये पैरेलल नहीं रहेगी पर डाइवर्जिंग रेज रहेंगी, ये डाइवर्जिंग है डाइवर्जिंग रेज। ओके डाइवर्जिंग रेज जो है ये क्या होंगी पीछे की तरफ अगर हम मिलाते हैं इनको। यहाँ कहीं ऐसे मिलेंगे, हमने पीछे की तरफ क्या किया प्रोड्यूस किया तब ये रेज जो है यहाँ कहीं मिलेगी और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा इमेज यहाँ कहीं मिल रही है। सो ये जो पोजीशन है ये बियॉन्ड 2F1 होगी। ओके दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश। तो कहाँ मिल रही है देखिए, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड हमको इमेज मिल रही है, तो ये सीधी मिल रही है सिर्फ इसी पोजीशन में हमको सीधी इमेज दिखती है, अदरवाइज कहाँ दिखती है हमेशा उल्टी हमको दिखाई देती है। तो ए डैश बी डैश ये क्या है, ये 2F1 है तो बियॉन्ड 2F1 है। तो कहाँ मिल रही है बियॉन्ड 2F1, अब ये क्या रहेगी आपकी सीधी रहेगी और वर्चुअल वर्चुअल, क्योंकि सही में नहीं मिल रही, हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर रहे हैं तब हमको मिल रही है, तो ये हमारी क्या हुई काल्पनिक है। देन उसके बाद ऐसी इमेज क्या होती है इरेक्ट, इरेक्ट रहेगी मीन्स सीधी एंड देन उसके बाद मैग्नीफाइड है सीधी। ओके मैग्नीफाइड बड़ी है काफी बड़ी है, देन इसका यूज हम कहाँ करेंगे ऐसे, तो ये जनरली हम आईपीस में यूज करते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स में जो आईपीस होती है उसमें यूज करते हैं एंड देन हम जो लेंस रहता है हमारा मैग्नीफाइंग लेंस जो होता है जिसमें हम रीडिंग्स पढ़ने के लिए उसको थोड़ा बड़ा फॉर्म में देखना होता है तो भी हम उसमें यूज करते हैं। तो रीडिंग लेंस में और आईपीस में इसका यूज है, यूजेस कहाँ रहेगा आईपीस में पहला एंड देन सेकेंड जो है किसमें हम यूज करेंगे मैग्नीफाइंग लेंस में। तो ये दो यूज रहेगा, क्लियर है। तो ये कंप्लीट होता है कॉन्वेक्स लेंस से हम इमेज फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया पहले इन्फिनिटी पे लेकर आया तो कहाँ मिली फोकस पे मिली जो कि पॉइंट साइज थी, उसके बाद हमने क्या किया इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में रब रखा तब कहाँ बन रही थी इमेज F2 और 2F2 के बीच में और छोटी बनी और उल्टी थी, हर बार उल्टी ही रहती है ना इसमें, सिर्फ यही एक लास्ट केस में हमारी सीधी होती है। एंड देन उसके बाद हमने जब 2F1 में रखा तो 2F2 में इमेज बनी और सेम साइज थी एंड देन और आगे ले आए 2F1 एंड F1 के बीच में जब रखा तो कहाँ चली गई इमेज जो है बियॉन्ड 2F2 चली गई और बहुत बड़ी बनी मीन्स बड़ी थी मैग्नीफाइड थी। एंड देन उसके बाद हमने जब F1 में रखा तब इन्फिनिटी में बनी दैट मीन्स हाईली मैग्नीफाइड
एंड देन जब लास्ट में हमने एफ वन और ओ के बीच में रखा तो सीधी बनी बट मैग्नीफाइड थी. ओके तो ये सारे केसेस थे, टोटल 6 केसेस हैं कॉन्वेक्स लेंस के. लेकिन जो कॉनकेव लेंस है उससे हम सिर्फ दो ही टाइप्स इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं. पहला जो रहेगा इन्फिनिटी से आने वाली रेज जाएंगी, और सेकेंड हम कहीं भी रख दें तो इमेज जो है वो ओ और एफ टू के बीच में ही बनेगी. तो अब लेंगे हम कॉनकेव लेंस. तो सबसे पहले आपने पढ़ा ही है कॉनकेव लेंस से, हमने पहले ही पढ़ाया था जो रेज इन्फिनिटी से आती है वो फोकस से होती हुई दिखाई देती है. ओके वर्चुअली आपको ऐसी दिखाई देंगी, मीन्स मिलती हुई प्रतीत होती है. तो मान लीजिए ये इन्फिनिटी से आ रही है रे, तो क्या करता है ये इसको ऐसे डाइवर्ज कर देता है. अब हमको ये पीछे की तरफ ऐसे मिलाने पे लगेगा कि फोकस से ही ये रेस आ रही है या फोकस पर जा रही है. क्योंकि क्या हो रहा है, जो रेज है वो क्या हो रही है, इन्फिनिटी से आ रही है. थोड़ा सा और बड़ा बना लेंगे. तो कहाँ से होती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ हमारा F2 रहता है, इधर F1 इधर F2 से. ओके तो क्या है, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी दैट मीन्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस से जाती हुई दिखाई देगी. हमारा इधर F1 होता था कॉन्वेक्स में, इधर F2 है इधर F1 रहेगा. ओके तो कहाँ से होती हुई दिखाई दे रही है, फोकस से होती हुई दिखाई दे रही है. तो ये जो है आपका इमेज जो है वो कहाँ बन रही है, पहला इमेज जो है वो फोकस पे एट फोकस. उसके बाद ये हमेशा पॉइंट साइज है बट सीधी ही रहेगी, सीधी है दैट मीन्स क्या रहेगी, वर्चुअल रहेगी, इरेक्ट सीधी. वर्चुअल मीन्स काल्पनिक, इसमें कोई भी आपको रियल नहीं रहेगा, मिलती हुई ही प्रतीत होगी. एंड देन उसके बाद ये जो है आपका पॉइंट साइज्ड है. ओके इसका यूज जो है हम जनरली किस में करेंगे, अपने चश्मे में करते हैं हम यूज. नाउ उसके बाद सेकेंड केस हम लेंगे, जब कहीं भी रखा रहे ऑब्जेक्ट तो जो इमेज होगी वो सिर्फ ओ और एफ टू के बीच में ही बनेगी. सेकेंड जो है हमने क्या बोला, एट एनी पोजिशन. तो मान लीजिए हम ये है F2, this is 2F2, इधर F1 और 2F1 कहीं भी रखते हैं. अगर मान लीजिए यहाँ रखते हैं beyond 2F2 तो क्या होगी, पहली वाली जो light ray है वो कैसे होती है, ये क्या करता है parallel rays को किधर focus से आती हुई दिखाई देती है. ओके तो ये क्या करेगा ऐसा, then ये focus से ऐसे जाती हुई दिखाई देगी ऐसा, यहाँ पे मिलाएंगे ये. नाउ सेकेंड जो है वो ओ से होके जाएगी, तो ओ से होके जाने वाली रेज जो है वो बिना किसी डेविएशन के वैसे ही चली जाएगी. दोनों रेज जहाँ मिलेंगी ये है, सो दिस इज ए डैश बी डैश, ये क्या रहेगी, इमेज रहेगी ऑब्जेक्ट ए बी की, बी डैश. मान लीजिए ऑब्जेक्ट है ए बी, कहाँ रखा है हमने, बियॉन्ड एफ टू एफ वन, कहीं भी रखेंगे आप ऐसी ही इमेज बनेगी, छोटी रहेगी सीधी रहेगी. इसको आप स्केल से करेंगे तो सीधी आएगी. ओके तो क्या हो रहा है, अब कहाँ मिल रही है, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन ओ एंड फोकस ऑप्टिकल. वर्चुअली यह सीधी रहेगी एंड देन छोटी रहेगी, सो डिमिनिश्ड. तो हम इसके थ्रू कभी भी सीधी और बड़ी इमेज नहीं पा सकते, कॉनकेव के थ्रू हमेशा सीधी बनेगी लेकिन छोटी मिलेगी आपको. ओके तो
तो इसमें से दो ही पोजीशन है, पहला क्या बोला, इन्फिनिटी से होने वाली जो रेज है, आने वाली रेज जो है वो फोकस पे बनेंगी इमेज, एंड देन सेकेंड बोल रहे हैं कि कहीं भी रख देंगे आप, जो इमेज होगी वो ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में बनेगी, छोटी रहेगी ऑब्जेक्ट से, सीधी रहेगी, और सीधी जो है वो हमेशा काल्पनिक होती, वर्चुअल होती है। तो ये दो ही जो है मेन इसके इमेज फॉर्मेशंस हैं। नाउ अब इसके बाद हम कुछ साइन कन्वेंशन है वो पढ़ लेंगे, लेंस के लिए क्या होता है कि चिन्हों का उपयोग, चिन्हों का उपयोग हम कैसे करेंगे अगर हमने लेंस लिया है। तो मान लीजिए ये लेंस है एंड ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, तो हम क्या मानेंगे, हमेशा पहला जो है जो लाइट रेज है वो हमेशा लेफ्ट साइड से आएंगी, हम ये मान के चलते हैं कि जो लाइट है वो हमेशा इस लेंस के बाईं ओर से आपतित होती है। एंड देन सेकेंड जो है हम क्या बोलेंगे, जो लेंस में जितने भी डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से कितने दूर है, तो कहाँ से लेंगे हम, लेंस के जो ऑप्टिकल सेंटर है उसको जीरो मान करके ही सारी दूरियाँ मापी जाएंगी। दैट मीन्स यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू, यहाँ से इमेज का डिस्टेंस, तो ये जो पॉइंट होगा हमेशा जीरो होगा सेकेंड। नाउ थर्ड जो हम क्या बोल रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए जो लाइट रेज है अगर वो किधर जा रही है, इसी साइड से, मीन्स धनात्मक कब रहेगी, जब पॉजिटिव, मीन्स आपतित किरण की दिशा में जो दूरी नापेंगे हम वो पॉजिटिव रहेंगी, इधर जो है पॉजिटिव और इसके अपोजिट डायरेक्शन में सारी निगेटिव, मतलब अगर ऑब्जेक्ट रखा है ऐसा तो ये इधर हो जा रहा है तो ये नेगेटिव होगी, लेकिन अगर यहाँ रखा हुआ है तब ये पॉजिटिव, एंड द सेम ऐसी अगर ऊपर है तब पॉजिटिव रहेगा और अगर ऑब्जेक्ट नीचे है देन नेगेटिव। इमेज ऑब्जेक्ट कोई भी अगर नीचे है तो जो उसकी हाइट होगी वो क्या रहेगी, अगर ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के तो पॉजिटिव लेंगे और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है देन नेगेटिव। क्लियर है? तो ये चार रूल्स हैं। पहला रूल क्या था कि जो आपतित किरण है उसकी दिशा हमेशा लेंस के बाईं ओर से होगी। ओके, क्या बोल रहे हैं, जो इंसिडेंट रेज है उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, लेंस के लेफ्ट साइड से होगी। एंड देन सेकेंड जो है, सारे जो डिस्टेंसेस है वो कहाँ से मेजर करेंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर को जीरो मान करके हम सारे डिस्टेंसेस मेजर करेंगे। दिस दैट मीन्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम लेंस, दैट मीन्स ओ से डिस्टेंस कहाँ रहेगा ऑब्जेक्ट का, तो जितना रहेगा यहाँ से यहाँ तक अगर 2 सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर, यहाँ से अगर है देन 2 सेंटीमीटर, जो भी लेना है हमको सेंटर को जीरो मान के ही हम लेंगे। नाउ थर्ड हमने क्या बोला कि आपतित किरण की डायरेक्शन में नापी गई समस्त दूरियाँ धनात्मक और उसके अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव। दैट मीन्स अगर इधर नापना होगा ओ से इधर डिस्टेंस मेजर करना देन निगेटिव, ओ से इधर डिस्टेंस मेजर, क्योंकि आपतित किरण की डायरेक्शन लेफ्ट साइड से ही है, तो जो भी राइट साइड होगा नेगेटिव, लेफ्ट साइड जो रहेगा वहाँ से पॉजिटिव। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट या इमेज है उसकी जो हाइट होगी वो पॉजिटिव और उसके नीचे जो रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, दैट इज नेगेटिव। ओके, तो ये है। नाउ अब इसके बाद लेंस की पहचान कैसे करेंगे हम, हमें कैसे पता चलेगा, या तो हम इमेज देख कर सकते हैं या फिर हम उसको टच करके, तो दोनों टाइप से हम इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। ओके, तो डिटेक्शन या फिर आइडेंटिफिकेशन या रिकॉग्नाइजेशन ऑफ लेंसेस, लेंसों की पहचान। सबसे पहले इमेज के थ्रू, बाय इमेज। ओके, तो हमने अभी तक पढ़ा पूरा इमेज जो है कैसी होती है, अगर उल्टी रहती है हम जनरली क्या करते हैं, मान लीजिए हमने एक पेपर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है और उसमें हमने क्या किया, कॉन्वेक्स लेंस रख करके उसको ऊपर की तरफ ले आए, तो अगर अक्षर जो है वो बड़े दिखाई देते हैं तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा, और अगर जो हमारे वर्ड्स हैं वो छोटे दिखाई देंगे तो वो क्या होगा, कॉनकेव लेंस होगा। क्योंकि क्या होता है, छोटा किस में दिखता है, सिर्फ हमको कॉनकेव में ही दिखेगा, कॉन्वेक्स में बड़े दिखाई देते, हर चीज़ बड़ी होती, मैग्नीफाइड होती है। तो एक पोजीशन हम लेकर आएंगे, जब क्या हो जाएगी वो पोजीशन F1 पे होगी तब काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, या फिर F1 और F2 F1 के बीच में होगी तो भी हमको काफ़ी बड़ी इमेज दिखाई देती है। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर जो भी हमने वर्ड्स लिखे, जो अक्षर हैं वो अगर बड़े दिखाई देते हैं
लेंस के थ्रू, तो वो जो लेंस है वो कॉन्वेक्स होगा, और अगर अक्षर हमको छोटे दिखाई देते हैं तो वो कॉनकेव होगा। क्लियर है? देन उसके बाद सेकेंड जो है, लेंस से दूर से देखने पर, क्योंकि देखिए हमेशा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो इमेज कैसी बनाता है, उल्टी। तो अगर हम लेंस से कोई भी दूर की चीज़ देखें, अगर वो हमको उल्टी दिखाई दे तो कॉन्वेक्स, और अगर सीधी दिखाई दे तो कॉनकेव। सिंपल, जैसे हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा सेम उसी के थ्रू। तो क्या हो जाएगा, दूर से जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं अगर वो छोटी दिखाई देगी, सीधी दिखाई दे रही है, तब हमको क्या रहेगा, कॉनकेव, और बड़ी दिखाई दे रही है, उल्टी दिखाई दे रही है, तब क्या रहेगा, कॉन्वेक्स लेंस। ना उसके बाद टच करके, ओके, बाय टच, स्पर्श, ये क्या था हमारा, इमेज से, दैट मीन्स प्रतिबिंब देखकर, स्पर्श से। तो जब हम टच करते हैं तो क्या होगा, जो बीच में अगर मोटा रहता है तो वो कॉन्वेक्स, ऊपर की तरफ पतले पतले रहते हैं तब कॉन्वेक्स, और अगर सेंटर में पतला है और ऊपर की तरफ थिक है, मोटा है, तब कॉनकेव होगा। ओके, तो स्पर्श करके हम सिर्फ इसी से देख सकते हैं, बस हो गया। नाउ इसके बाद अब इसके यूजेस क्या हैं, बाकी सब मैंने बता दिया था क्या क्या यूजेस हैं, लेकिन फिर भी क्या क्या इनके यूजेस हैं। तो पहला हमने बताया कहाँ यूज़ करेंगे, फोटोग्राफिक कैमरे में, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, इन सब जगहों पर यूज़ करते हैं। देन इसके बाद हम चश्मे में दृष्टि दोष जो होता है उसको दूर करने के से भी जानते हैं हम, तो मायोपिया मीन्स निकट दृष्टि दोष होता है, अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसको दूर करने के लिए। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, नाम से जस्ट उल्टा, निकट मीन्स क्या होगा, दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी अगर अच्छे से हमको, तब हम क्या लेंगे, दूर की चीज़ें देखने के लिए हम कॉनकेव। एंड देन अगर मान लीजिए दूर दृष्टि दोष, मतलब पास की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है हमको, तो दूर दृष्टि दोष जिसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, जब पास की चीज़ें दिखाई ना, दूर दृष्टि दोष मतलब निकट की चीज़ें दिखाई ना दे, तब हम क्या यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स। ओके, तो दूर की चीज़ें अगर अच्छे से ना दिखाई दे तब हम कॉनकेव, एंड देन पास की चीज़ें अच्छे से ना दिखाई दे तो हम कॉन्वेक्स में लेंस का यूज़ करेंगे। तो ये होता है यूजेस जो है, हम पहले हमने क्या क्या बोला, कैमरे में, देन माइक्रोस्कोप में, देन टेलीस्कोप में, देन आईपीस में हम यूज करते हैं, प्रोजेक्टर वगैरह में, ये सारे। देन सेकेंड हमने क्या बोला, चश्मे में कैसे यूज होगा, फॉर दृष्टि दोष दूर करने के लिए। निकट दृष्टि दोष पहले, हाइपरमेट्रोपिया। तो यहाँ हमको क्या होगा, निकट दृष्टि दोष मतलब दूर की चीजें साफ ना दिखाई देना, दूर की चीजें साफ ना दिखाई देना, तो दूर की चीजों को देखने के लिए हम कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। और यहाँ क्या होगी, दूर दृष्टि दोष मतलब क्या होगा, पास की चीजें क्लियर ना दिखाई देना, दूर की चीजें दिखाई ना देना, तब हम इसमें क्या यूज करेंगे, कॉनवेक्स। ओके, ये हम बताएंगे जब हम पढ़ेंगे आगे चल के ह्यूमन आई, उसके बाद ये सारे जो है कैसे हम इन दोषों को दूर करेंगे ये बताएंगे हम अच्छे से। सो अगर मान लीजिए आपका डिफेक्ट है विजन में, तो दृष्टि दोष उसको बोलते हैं, दैट इज दो टाइप के होते हैं। पहला आप हमने क्या बोला, मायोपिया, तो ये क्या होता है कि दूर की चीज़ें जो है वो हमको साफ नहीं दिखाई देंगी, क्लियर दिखाई नहीं देंगी, तो हम उनको देखने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, कॉनकेव लेंस। एंड देन अगर दूर दृष्टि दोष है, जस्ट उल्टा होता है, दूर दृष्टि दोष मतलब पास की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, तो हम उनको क्लियर देखने के लिए क्या यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। ओके, तो ये सारे हमने क्या किया, यूजेस हैं। देन उसके बाद और भी है, रीडिंग लेंस के रूप में यूज़ करते हैं, हमने बताया था अभी। देन उसके बाद जो
घड़ी ठीक करने वाले होते हैं, घड़ी साज बोलते हैं जिनको, तो वो लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ें देखने के लिए, छोटी छोटी चीज़ें देखने के लिए भी यूज़ करते हैं लेंस का। तो घड़ी साज द्वारा छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए, दैट मीन्स रीडिंग लेंस ही है वो, रीडिंग लेंस, रीडिंग लेंस में यूज़ करते हैं। तो ये इतने यूजेस हैं इसके, क्लियर है ना। अब इसके बाद आते हैं हम, जैसे हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था सेम वैसे हम लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो जिस डिफरेंस क्या होता है सिर्फ उसमें कि प्लस होता था, यहाँ पे हम बीच में माइनस करेंगे, सो दैट इज लेंस फॉर्मूला, क्लियर है। तो क्या होता है, अगर मान लीजिए फोकल लेंथ है एफ हम लेंगे, सो वन बाई एफ इज वन बाई बी माइनस वन बाई यू होगा। सो एफ क्या है, दैट इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, एंड वी जो है इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस कहाँ से लेंगे हम, सेंटर पॉइंट से ही, ऑप्टिकल सेंटर से, एंड देन यू जो है वो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओके रहेगा ये। सो दैट इज लेंस फॉर्मूला। नाउ अब इसके बाद आती है लीनियर मैग्निफिकेशन। ये सब छोटे छोटे जो टर्म्स हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। तो लीनियर मैग्निफिकेशन, आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, उसमें माइनस रहता था। देखिए मिरर फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस रहता था, यहाँ पे आपका लेंस में ये माइनस रहेगा। लीनियर मैग्निफिकेशन, आवर्धन, ये क्या होता है, इसको हम स्मॉल एम से करते हैं डिनोट, एंड देन ये जो है इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के बीच का रेशियो होता है। सो दैट इज इमेज हाइट, हाइट ऑफ इमेज, इमेज हाइट, एंड देन ऑब्जेक्ट हाइट, दैट इज आई बाई ओ, ओके। एंड सेकेंड जो होता है ऑब्जेक्ट का और इमेज का डिस्टेंस, तो इमेज का डिस्टेंस वी बाय यू, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये भी होता है। तो दोनों होते हैं फॉर्मूले, इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट। मान लीजिए इमेज हाइट जो है वो आई है और ऑब्जेक्ट की हाइट ओ है, तो यही जो है किसके इक्वल होती है, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के भी इक्वल होती है, दोनों के रेशियो के इक्वल होगी। मिरर फॉर्मूले में सिर्फ यहाँ माइनस आता था, यहाँ पे हमारा प्लस आएगा, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड हम सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बाद में बताएंगे, ओके। सो नेक्स्ट टाइम हम ह्यूमन आई के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ओके, थैंक यू।